नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज। रूस यूक्रेन के बीच चल रही भीषण युद्ध का आज 13वां दिन है, जिसके बीच यूक्रेन के सुमी में फंसे सभी भारतीय छात्रों को सुरक्षित वतन लाया जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि सुमी में फंसे भारतीय छात्रों को निकाल लिया गया है। सभी छात्र पोल्टावा के रास्ते में हैं, जहां से वह पश्चिमी यूक्रेन के लिए ट्रेनों में सवार होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक छात्रों को घर पहुंचाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ानें तैयार की जा रही हैं। अरिंदम बागची ने भारतीय छात्रों का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम सभी भारतीय छात्रों को सुमी से बाहर निकालने में सफल रहे हैं। अरिंदम बागची के वीडियो में भारतीय छात्रों के चेहरे पर एक राहत देखी जा सकती है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सुमी में फंसे 694 भारतीय छात्र मंगलवार को पोल्टावा के लिए बसों में रवाना हो गए। उन्होंने कहा, बीती रात मैंने नियंत्रण कक्ष में पता किया था तो 694 भारतीय छात्र सुमी में थे, आज वो पोल्टावा के लिए बसों में रवाना हो गए। बता दें कि यूक्रेन का सुमी एकमात्र शहर बचा था जहां भारतीय छात्र अब तक फंसे हुए थे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन से 22,000 भारतीय बाहर निकाले जा चुके हैं। 8 मार्च तक ऑपरेशन गंगा के जरिए 18,000 भारतीयों को स्वदेश लाया जा चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें सी लॉर्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।